हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे स्नैपसीड में न्यू नाइट लाइट इफेक्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो गाइस, सबसे पहले हम फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड ऐप में, बैकग्राउंड फ़ोटो को। और अब जाएंगे ट्यून इमेज में और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और एम्बियंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 20 तक और शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 14 तक। और यहाँ पर वार्म को हम थोड़ा सा करेंगे बढ़ाएंगे 6 तक। और फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मॉडल की फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पर हम सेट कर देंगे अच्छी तरह से। गाइस, अब हम यहाँ से ओपेसिटी को कर लेंगे फुल और यहाँ से कर लेंगे डन। और एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ से हम डबल एक्सपोजर सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ कर लेंगे हम इरेज बैकग्राउंड को। इरेज करने के लिए हमें यहाँ इफेक्ट को जीरो पर करना होगा सबसे पहले और इस तरह से हम कर लेंगे इरेज। तो गाइस, अब हम यहाँ से कर लेंगे डन और अब जाएंगे मेनू में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विंटेज। विंटेज में 12 नंबर का इफेक्ट सिलेक्ट करना है और इसका स्ट्राइल स्ट्रैंड को हम कम कर देंगे और वीकनेट को हम डाउन करेंगे और रखेंगे 14 तक। और सैचुरेशन को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 6 तक। और फिर से जाएंगे हम मेनू में और यहाँ पर सिलेक्टिव टूल सिलेक्ट करेंगे और फेस को सिलेक्ट करके हम सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हैंड के ऊपर भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो गाइस, फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स टूल और स्ट्रक्चर और शार्पनिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। और फिर से जाएंगे मेनू में और डबल एक्सपोजर सिलेक्ट करके एक लाइट पेंज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर सब ओवरलाई इफेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑपेसिटी को थोड़ी सी कम करेंगे हम। तो गाइज, अब हम यहाँ से कर लेंगे डन। अब फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टिव टूल और बैक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइज, अब हम यहाँ से कर लेंगे डन और फोटो को भी यहाँ से कर लेंगे सेव और जाएंगे लाइटरूम ऐप में और यहाँ पर प्रोफाइल में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर सिलेक्ट करना है विंटेज 2, ठीक है। और ओपेसिटी को मैंने रखा है यहाँ पर 110 तक, ठीक है। और अब यहाँ से कर लेंगे डन और अब जाएंगे हम कलर टूल में
और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन रखेंगे हम। अब कलर मिक्स टूल में जाएंगे और ऑरेंज कलर में हम सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ह्यू को थोड़ा सा माइनस रखना है। तो गाइस अब जाएंगे हम इफेक्ट टूल में और टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर विगनेट को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे और मिड पॉइंट को भी डाउन करेंगे और फीडर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, फीडर को 55 तक और हाईलाइट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे 20 तक। और अब जाएंगे डिटेल टूल में और यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और मास्किंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और नॉइज़ रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 57 तक। तो गाइज अब हम जाएंगे लाइट टूल में और यहाँ पर कर्व्स टूल को सिलेक्ट करना है और वाइट लाइट पेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इस लाइन को हम नीचे से थोड़ा सा डाउन करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा उठाएंगे, ठीक है। नीचे से हमें थोड़ा सा डाउन रखना है। तो गाइज अब हम यहाँ से करेंगे डन और अब हम जाएंगे इस वाले टूल पर और यहाँ पर दोनों टूल को सिलेक्ट कर लेना है और जाएंगे डिटेल टूल पर। अब कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इफेक्ट मेनू में जाएंगे फिर से और यहाँ पर विगनेट को और थोड़ा ज़्यादा डाउन करेंगे 25 तक और यहाँ पर डीहेज को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फीडर को भी बढ़ा दिया है मैंने। तो गाइज अब हम यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव।